ऑटो एक्सपो का आगाज हो गया है और आज 9 तारीख से जनरल पब्लिक के लिए ऑटो एक्सपो को खोल दिया गया है। इस ऑटो एक्सपो में कई बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट कार्स दिखाए हैं, लेकिन इस ऑटो एक्सपो में एक पवेलियन ऐसा है जहां पर मॉडिफाइड कारें खड़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े शहरों में मॉडिफाइड कारों का बहुत क्रेज है। मैं एक ऐसे स्टैंड पर खड़ा हूँ जिनका नाम है EMT, एग्जीक्यूटिव मॉड कार ट्रेंड्स, और ये बॉम्बे बेस्ड एक कंपनी है। मेरे साथ फैसल हैं, फैसल इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फैसल, लोकमत न्यूज़ में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। फैसल से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी कार किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फैसल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन सी कार मॉडिफाई करते हैं या कर चुके हैं? सर, हम छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ी सब मॉडिफाई करते हैं, चाहे वो SUV हो, MUV हो, या छोटी हैचबैक गाड़ियों हो या सेडान गाड़ियों हो, तकरीबन सभी गाड़ियों को करते हैं। इंटीरियर्स में भी करते हैं, एक्सटीरियर में भी करते हैं, जहाँ तक रेक्लाइनर्स लगाना है, लग्जरी का पूरा ख्याल रखते हैं। अब मेरा मानना है कि मॉडिफाइड जो कारें होती हैं उनका जो एक दायरा होता है बहुत कम होता है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत शौकीन किस्म के ही लोग होते हैं जो अपनी कार मॉडिफाइड कारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपकी टारगेट ऑडियंस काफ़ी कम हो जाते हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? सर, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। आज तक हमारी कंपनी को तकरीबन 11 साल हो गए, हम ये नहीं बता सकते कि हमारा सेट क्लाइंट किधर से है। हम लोग हर बार हर किस्म के नए नए किस्म लोग अलग अलग जगह से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं और डिज़ाइन अपने या अपनी एक सोच लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ी प्लीज ऐसी करके बना के दे दें। अच्छा, ये जो आप कार मॉडिफाई करते हैं इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सर, सबसे पहले हमें तो ध्यान रखना पड़ता है कि एरोडायनामिक्स जो गाड़ी के होते हैं, जो ड्राइवेबिलिटी है, सेफ्टी है, वो सब चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है। फिर दूसरा ख्याल RTO का रखना पड़ता है कि जो चीज़ें हमारे देश में लीगल है कि नहीं है, क्या लॉज में क्या परमिसेबल है क्या नहीं है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो RTO के तहत वैसे कौन कौन से बड़े नियम हैं जिनका आपको लगभग हर कार मॉडिफाई करते टाइम उसका ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि वो नियम कम से कम आप फॉलो करें, वो ऐसे कौन से बड़े बड़े नियम हैं जिनका? सबसे बड़ा नियम हम लोग का यही है कि चेसी को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं, जो पूरी सेफ्टी और जो स्पॉनोशेल या इनका जो चेसी बनती है उसको बिल्कुल हाथ ना लगाए, उसका सबसे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और बॉडी की या गाड़ी की पूरी सेफ्टी सब उसी का दारोमदार पिलर जो है वो चेसी ही है, तो सबसे पहला और आखिरी ख्याल वही रखना पड़ता है। मॉडिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन जो कार्ड होता है उसमें भी कुछ बदलाव किया जाता है? नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस लेवल का मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट अलाउ करती है हम उस दायरे में करते हैं, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन में कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलबत्ता पेंट के लिए हमको परमिशन लेने के और वो रजिस्टर में तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ये जो कार है, ये बड़ी प्यारी सी कार है और कुछ कुछ रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह एक ये कार लग रही है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कार होंडा की एकॉर्ड है जिसको मॉडिफाई किया गया है। अगर आप बाहर से इस कार को देखें तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। फैसल से ही जानते हैं कि इस होंडा एकॉर्ड में फैसल क्या क्या बदलाव हुए हैं फैसल इसमें? सर, ये गाड़ी की ओरिजिनलिटी को पूरा बाकी रखा गया है, इसमें ओरिजिनल बॉडी को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ एड ऑन पैनल्स डाले कर हमने फाइबर के इसमें लुक चेंज ऐसा दे दिया है कि गाड़ी के किधर से पहचाने नहीं जाए कि ये ऑकवर्ड है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इन गाड़ियों की कीमत कैसे तय करते हैं, कस्टमर की किस तरीके की नीड होती है, कैसे समझते हैं आप उनकी ज़रूरतों को? सर, वह हम उनके पहले उनके ख्याल उनके सोच को पूरा सामने रखते हैं, क्या हम कहते हैं कि आपके पास जो भी आपकी जहन में या दिमाग में जो भी डिज़ाइन है या आप कैसा चाहते हैं वो हमें बता दीजिए, फिर उस हिसाब से हमारे डिज़ाइनर टीम पूरी बैठ के उसको स्केच करती है, स्केच करने के बाद उनको बताते हैं सर ये डिज़ाइन है, तो फिर वो बताते हैं कि ये मेरे को ये डिज़ाइन अच्छा लगा या ये डिज़ाइन लगा, ये इसमें से ये अच्छा लगा, इसमें से ये अच्छा लगा, और फिर उस हिसाब से हम पैनल्स क्या होते हैं, कितना चेंजेस होता है, उस हिसाब से डिसाइड करके कस्टमर के साथ। कीमत कैसे तय होती है? अगर आम दर्शक अगर ये जानना चाहे आपसे, अगर कोई आदमी अगर आज कार मॉडिफाई कराना चाहे आपसे, तो वो एक जनरल आइडिया दीजिए आप आम दर्शकों को जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कीमत तय होती है, और अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इस कार की कीमत क्या होगी? सर, कीमत तो हमारे पास मॉडिफिकेशन के अलग अलग स्टेज, चार स्टेज है, तो पहले स्टेज जो हमारा 10,000 से 15,000 से स्टार्ट हो जाता है, और फिर लिमिट तो कुछ है नहीं, जितना आप करना चाहें खर्चा। ये कीमत आप पुरानी कार को मॉडिफाई करते हैं या आप नई कार लेकर भी आप मॉडिफाइड देते हैं? सर, हम दोनों करते हैं, पुरानी गाड़ी भी करते हैं, नई गाड़ी भी करते हैं,
मगर जहाँ तक बॉडी का रिलेटेड है, तो नई कार अगर होगी तो कार की कीमत और उसके बाद मॉडिफिकेशन पर आने वाला खर्च, तब जाकर इस कार की कीमत तय होगी। दूसरी जो इस पवेलियन में कार खड़ी है वो है महिंद्रा की E2O। इस कार में आपने क्या क्या बदलाव किया? सर हमने पूरा एक कॉन्सेप्चुअल बॉडी चेंज कर दी इसकी, फाइबर बॉडी, जो ओरिजिनल फाइबर बॉडी थी हमने इसको दूसरी फाइबर बॉडी से रिप्लेस किया। जैसे हमारा फ्यूचर EV नज़र आ रहा है, तो एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देने के लिए कंपनी को आइडिया के लिए हमने ये गाड़ी बना के डिस्प्ले पर रखी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको जैसे आपने E2O को मॉडिफाई किया, आपने होंडा एकॉर्ड को मॉडिफाई किया, क्या कंपनी से भी इसके लिए कुछ परमिशन लेना पड़ता है? सर अगर हम E2O जैसे आप मॉडिफिकेशन देख रहे हैं तो बिल्कुल परमिशन लेना पड़ेगा, मगर ये मिलेगा नहीं और ये रोड के लिए नहीं है, ये खाली कॉन्सेप्चुअल दिखाने के लिए। और अगर होंडा एकॉर्ड की बात, एकॉर्ड की जरूरत नहीं है सर, ये एड ऑन किट है, तो ओरिजिनल बॉडी को बिल्कुल जैसे मैं आपको बताया कि नहीं छेड़ा गया, बिल्कुल ओरिजिनल एज इज इज इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल लोकमत से बात करने के लिए आपका। तो हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक अलग ही दुनिया है ये, अगर आप कार के शौकीन एक तरफ और कार मॉडिफाइड कार के शौकीन एक तरफ, तो अगर आप मॉडिफाइड कार के शौकीन हैं और इसे ऑटो एक्सपो आ रहे हैं तो आपको इस पवेलियन में ज़रूर आना चाहिए। लोकमत न्यूज़ के लिए सुवासित की रिपोर्ट।